कान को आप कैसे लेते हैं? देखिए जो कुछ हुआ है बहुत ही कायराना कृत्य हुआ है और इससे समाज को बड़ा क्षति हुई है और पूरा समाज इससे स्तब्ध है। ये ऐसा महसूस हो रहा है कि किस तरीके से बदमाश जो प्रशासन बिल्कुल इसका ध्यान नहीं रखती, जबकि घोगामेड़ी ने पहले भी प्रशासन को कह रखा था कि मुझे सामाजिक सुरक्षा दी जाए और मुझे पुलिस की सुरक्षा दी जाए, वो उनको सुरक्षा नहीं दी गई। उसका परिणाम ये हुआ घर में घुसकर बदमाशों का इतना बड़ा मतलब हौसला हो रहा है, जो घर में घुसकर किसी के बेडरूम में जाके मतलब ऐसा कृत्य कर रहे हैं। ये बड़ा कायराना कृत्य है समाज में इस तरीके से ये लोग जो जिस तरीके से गए हैं और जो भी कुछ किस तरीके से कौन लोग ले गया और वहीं जाके गार्ड के सामने इस तरीके से हत्या हुई, तो इनकी सुरक्षा गवर्नमेंट को करनी चाहिए। सामाजिक जो व्यक्ति हैं, जितने भी सामाजिक व्यक्ति हैं, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। किस तरीके से ये लोग समाज में जाकर और समाज को जिस तरीके से क्षति हुई हमारी, मैं इनका घोर निंदा करता हूँ। कांड में चुकी गैंगवार भी जुड़ चुकी है, रोहित गोदारा का नाम सामने है। रोहित गोदारा जो कि लॉरेंस बिश्नोई के ही एक साथी है, उसने जिम्मेदारी ली है, उसके ऊपर अब आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए ये जांच का विषय है और जांच होने के बाद में मैं प्रशासन से भी निवेदन करना चाहता हूँ और मैं मजबूती से कहना चाहता हूँ कि तुरंत से तुरंत। तो सुखदेव सिंह घोगामेड़ी हत्याकांड पर इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने हत्या की जिम्मेदारी ली है, बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुखदेव सिंह घोगामेड़ी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने कहा है कि यह हत्याकांड उनकी तरफ से करवाया गया है। ये जिम्मेदारी यहां पर देखिए, जिसका जिक्र अभी हमारे संवाददाता भी कर रहे थे, भवानी भी कह रहे थे कि जो गैंगस्टर्स होते हैं, जो गैंगवॉर होते हैं, उसमें जिम्मेदारी सोशल प्लेटफॉर्म पर खुलेआम ले ली जाती है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी यहां पर ली है। सुखदेव सिंह घोगामेड़ी सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, जयपुर जो है वो पूरी तरह से बैरिकेड कर दिया गया है ताकि इस मामले को लेकर कोई भी जो दोषी है वो आरोपी जो है वो फरार ना होने पाए। न्यूज 18 एक्सक्लूसिव तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने, लेकिन गैंगस्टर रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली है इस हत्याकांड की। हालांकि क्या कुछ वजह रही जिसके चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, क्या कुछ वजह रही जो इस हत्याकांड को दिन दहाड़े इस तरह से, जो इस वक्त आप सीसीटीवी फुटेज भी देख रहे हैं जिसे हम काफी हद तक धुंधली करते हुए दिखा रहे हैं, वो फुटेज इस वक्त आपके सामने है। इस बिना पर अब पुलिस पूरी तरह से तफ्तीश में जुट भी गई है। दूसरी तरफ सुखदेव सिंह घोगामेड़ी के जो समर्थक हैं वो भी सड़क पर उतर आए हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं।